था, क्या परेशानी है आपको? कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है और मेडिकल हुआ तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, बस बुक वगैरह दिखाई कलर वाली, तो पढ़ने दिखाई दिया, उसके बाद तो दिखाई नहीं दिया, क्लियर ही नहीं हुआ क्या तो है? कुछ बुक में कुछ नहीं दिखा, इसलिए आपको माइनिंग से निकाल दिया, बाहर कर दिया जी, जी। आपने कहीं प्रयास किया इलाज कराने का? चेन्नई दिखाया और MP में बहुत सारे हॉस्पिटल दिखाया, शेड्यूल वगैरह में दिखाया, भोपाल दिखाया, तो चेन्नई से फिर वहाँ से क्लियर हो गया कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम की बीमारी के इलाज है ही नहीं, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ऋषभ जैन का पता आपको कैसे मिला? वैसे मैं नेट में देखता रहता हूँ, वीडियो देखा तो उसमें क्लियर हो रहा था कि क्या ट्रीटमेंट हो यहाँ पे, तो फिर आपको लगा कि वो बच्चों ने ट्रीटमेंट लिया वो ठीक हुए हैं, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, तो इसलिए आप उज्जैन आए हैं जी। फिर माइनिंग के टेस्ट में यही किताब आपको दिखाई थी, 12 लिखा है, शाबाश दिख रहा है, बट है कि नहीं पता नहीं, पक्का है? आप बताओ, क्लियर नहीं है सर, वो नहीं है, कोई क्लियर नहीं, क्लियर ही नहीं हो रहा। फिर आगे आपको सिर्फ 2 प्लेट दिख रही हैं, 7 के अलावा कुछ भी अक्षर आपको दिखेंगे तो आप क्या मानेंगे? मेरा बीमारी ठीक होना शुरू हो गई है। इन सबको लेकर मैं चेन्नई भी गया था, मैंने भोपाल भी दिखाया, कटनी में भी दिखाया, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी जी। मेरे बालक छोटे वाले बच्चे ने नेट पे आपका नाम डॉक्टर ऋषभ जैन का नाम देखा, उनने मेरे को सुझाया, तो अब चूंकि इतने दिनों से मैं इतने जगह धोखा खा चुका हूं तो पूर्ण विश्वास तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आया हूं आपके पास में, अगर यहां से मुझे को सही ट्रीटमेंट मिलती है तो मेरे सौभाग्य की बात तो क्या होगी, मेरे अंधेरी जो निया मेरे बच्चों की उसमें तो उजाला आ जाएगा। नहीं भाई साहब, बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे, आप भी जीतेंगे, आपके बच्चे जीतेंगे, आशा की रोशनी हम फिर लेके आएंगे आपके बच्चों को, मैं आपको कुछ ना कुछ फर्क दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, ये डॉक्टर ऋषभ जैन का वादा है। आप बिल्कुल हताश मत होइए, लग के इलाज कराइए और बिल्कुल आप जीतेंगे। It's a problem that can't be cured. क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या ठीक है? ये तो दिखता है। इधर सर्जरी खत्म हो गया। बढ़िया। चलो आप जो ये ठीक है। इधर है। इधर से फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये एक बार हो गया। बढ़िया। 9696 बोलो। फिर ये 5 है। फिर का? फिर ये बार आया। 2 9 ये इधर बाहर हो गया। तो बताइए, 2 प्लेट दिखती थी आपको, मतलब 30 प्लेटें दिख रही है, 22 प्लेटों का फायदा हुआ आपको पहले कोर्स के बाद जी जी। ठीक है, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, और इसी तरह इस जंग में लड़ते रहिए, बाकी की भी सारी प्लेटें आपको दिखेगी और दुनिया में आपको कोई कलर ब्लाइंड कह नहीं पाएगा। बेस्ट एफर्ट। 36 चिरमिरी में तो इनको जो है पहचाने ना पहचानने के कारण इसको फेल कर दिया था। रंगीन अक्षर पढ़वाए होंगे? यस सर, कलर ही बुक पढ़ा। कलर विजन है ना, तो कलर विजन में ये फेल हुए थे सर। ये दूर के जो लाल हरे गोले थे ये पहचान पा रहा था क्या? ऊपर का एक लाल गोला सिर्फ इसको दिखाई दे रहा था, एक ये सफेद और एक बीच का जो एक सफेद गोला था इसको ये पीला बता रहा था, लेकिन आज ही सही बता रहा है। वो गोले ठीक से आइडेंटिफाई कर नहीं कर, उस दिन नहीं कर पा रहा था, फर्स्ट डे नहीं कर, फर्स्ट डे कंफर्म नहीं था, लेकिन आज ये 4 गोले प्लस एक बीच का जो सफेद है वो ही बता पा रहा है। दूर के गोले रंगीन नॉर्मल हो गए, कलर ब्लाइंडनेस का 90% ये दरिया पार कर चुका है सर, है ना सर? और तो क्या आपने सोचा था कभी कि आपके बच्चे को इतना फायदा इतनी जल्दी होगा? ये बच्चे ने मुझे बताया कि डॉक्टर ऋषभ जैन इस पे कार्य कर रहे हैं और वहाँ से ठीक हो रहे हैं, मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था, आपने कहा ठीक है ले आइए, बाहर से भी आके बच्चे मेरे कलर विजन वाले तो ठीक हुए हैं, और RP वाले भी मेरे यहाँ के इलाज से पूर्णता नहीं तो नॉर्मल जिंदगी तो जी सकते हैं, साहब ने कहा था, मैं लाया और निश्चित रूप से मुझे प्रथम दृष्टिया ही काफी इसमें लाभ कह सकते हैं, लाभी हुआ है, और अब मुझे उम्मीद बन गई है कि मेरे बच्चे अंधत्व की जिंदगी नहीं जिएंगे। बधाई हो आपको, बहुत धन्यवाद। इस तरह आप प्रयास करते रहिए अपने बच्चों के साथ और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होके और काफी तरक्की करेंगे। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर। इसको चैलेंज किया है कि कलर ब्लाइंडनेस अब हंसाते भी रहिए, कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट मैं ठीक किया हूँ और वो गैरंटेड ठीक हुआ है। हम भी यही चाहते हैं।
निकले अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये सिर्फ हो सकता है। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, जिन नेत्र चिकित्सालय।